भारत के पहाड़ी इलाकों में 12 और 13 जनवरी को बारिश एक बार फिर से दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयन रीजन में 11 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 12 और 13 जनवरी को बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी थमने के बाद भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। रामपुर निर्मंड सड़क बजीर बावर भूस्खलन के कारण बंद हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्थानीय मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। पालम मौसम स्टेशन पर सबसे अधिक घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया, जहां सुबह 5:30 बजे दृश्यता 150 मीटर पाई गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 9 बजे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.